हेलो गाइस, मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम का नमस्कार। दोस्तों, आज जिस मूवी का डिटेल एक्सप्लेन मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रे, जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के शुरुआत में ही दिखाते हैं कि मूवी की शुरुआत सितंबर 1719 में हुई है, और तभी एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम होता है नारू, और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सारी है। वो एक तबेले में जंगल में रहते हैं। वो दोनों रोज सुबह हंटिंग के लिए जंगल जाते हैं, और पहले नारू हंटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करती है और बाद में वो हंटिंग करने जाती थी। एक सीन में ऐसे दिखाते हैं कि वो ऐसे ही डियर को हंट डाउन करने गई थी, पर उसकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से वो हिरन भाग जाता है। तभी उसका डॉग सारी उस हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है, और उसको पैर पर चोट लग जाती है। नारो उस चोट पर दवा लगाती है, जो दवा उसने खुद जंगल में बनाई है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि नारो एक मेडिक भी थी। तभी आगे दिखाते हैं कि बहुत जोर से बिजली कड़कती है, और नारो बिजली की ओर देखती है और उसे एक उड़ती हुई UFO दिखाई देती है। ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों, और तब लोगों को ये UFO क्या है ये पता भी नहीं था। तभी मूवी में एक आदमी दिखाते हैं, उसका नाम होता है ताबेको। वो नारो का भाई होता है और वो बहुत अच्छा हंटर दिखाया गया है। उसकी खास बात ये होती है कि वो एक ही अटैक में उड़ते हुए ईगल को मारता है। आगे दिखाते हैं कि वो दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं। ताबेको नारो को अपने कतामिया के बारे में बताता है। कतामिया का मतलब होता है कि ताबे के फादर के साथ वो ताबे को अपने हंटिंग के प्रैक्टिस के लिए जाता था। वही उसने ये हंटिंग के सभी स्किल सीखे थे। तभी नारो ताबेको को बताती है कि उसने आकाश में एक सिग्नल देखा और अभी वो पूरी तरह से तैयार है कतामिया में जाने के लिए। तभी उसका भाई उसे रोकता है और कहता है, नहीं, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक बड़ा हंट करना पड़ेगा। अगले सीन में नारो अपनी माँ के साथ दिखाई देती है। वहाँ नारो और उसकी माँ कुछ दवाई बना रही होती है। ये दवाई बनाने का स्किल नारो ने अपने माँ से ही सीखा था। तभी वहाँ उसका भाई आता है उस ईगल को लेकर जिसे उसने हंट किया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि नारो खुद के बारे में कुछ सोच रही है। नारो का सपना होता है कि वो बहुत अच्छी योद्धा बने, उसके तबेले की वार चीफ बने, उसे बहुत सम्मान मिले, और वही सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक एलियन शिप दिखाई देता है जो नारो ने देखा था, मतलब उड़ती हुई UFO। और शिप से हमें एक एलियन उतरता दिखाई देता है जो कि इनविजिबल होता है। अगले सीन में हम नारो को कुछ दवाइयाँ इकट्ठे करते हुए दिखाई देती है, और तभी जंगल से कुछ आवाज आती है और पता चलता है कि शेरनी ने ताबे के एक लड़के को पकड़ा है, और सभी लड़के उसको बचाने के लिए जाते हैं और नारो को घर जाने के लिए बोलते हैं। पर उसका भाई बोलता है कि नहीं, नारो को आने दो हमारे साथ, वो कुछ इलाज करेगी उस लड़के पर। वो सब उस लड़के के पास जाते हैं, पर वहां जाकर देखते हैं कि वो लड़का जिंदा है, पर उस पर सिर्फ अटैक किया था शेर ने। तभी दिखाते हैं कि एक सांप ने अपने मुंह में एक खरगोश को पकड़ा है, और तभी वहाँ वो एलियन इनविजिबल होकर आता है और उस सांप को मार दे। इन सब से हमें पता चलता है कि वो एलियन विनाश करने के लिए ही आया है। वो एक प्रीडेटर है और वो खुद को साबित कर रहा है। और इधर नारो उस लड़के को दवाई देती है, और तभी उसका भाई उस शेर को पकड़ने के लिए निकलता है। तभी नारो उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि यहाँ और भी कुछ है जिसने शेर को डराया है, नहीं तो शेर अपना शिकार कभी छोड़ के नहीं भागता है। पर वो ताबे को नहीं मानता और नारो को बाकी लोगों के साथ घर भेज देता है। घर जाते वक्त नारो और बाकी लोगों को वो सांप दिखाई देता है जिसको उस एलियन ने मारा था, और उसके पास उन्हें बड़े बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि ये निशान भालू के होंगे, पर नारो ये नहीं मानती। उसका मानना था कि ये निशान अजीब है, ये भालू के नहीं हो सकते, यह कोई अजीब भी है। और ये बात बताने के लिए वो वापस अपने भाई के पास एक लड़के को लेकर जाती है। उसका भाई भी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भालू के ही निशान होंगे, और वो शेर पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं। तब नारो बोलती है कि हम शेर को पकड़ने के लिए उसे कुछ लालच देना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि नारो के पास स्ट्रेटर्जी होती है, और उसकी ये बात ताबे को मान लेता है, और ताबे को शेर के रास्ते पर मांस रखने जाता है। तभी नारो और एक लड़का पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और उसी वक्त शेर उन पर हमला कर देता है। शेर उस लड़के को मार देता है। तभी नारो को वो एलियन दिखता है।
नारो का ध्यान उसकी तरफ जाता है, तभी शेर नारो पर अटैक कर देता है और नारो पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब खुद को अपनी माँ के सामने पाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे को उसे यहाँ छोड़ के गया है। तब नारो बोलती है कि जंगल में शेर के अलावा और भी कुछ अजीब है, मुझे ये ताबे को बताना पड़ेगा। तब उसकी माँ उसे बताती है कि कतामिया का उद्देश्य सिर्फ हंटिंग करना नहीं है बल्कि खुद की जान बचाना भी है। और तभी बाहर लोगों की आवाज आती है। नारो बाहर आकर देखती है तो वो ये देखती है कि ताबे को शेर को मार कर उसे लेकर आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और ताबेकों को उनके ताबे यानी कबीले का वारचिप बना देते हैं। ये देखकर नारो को खुशी नहीं होती क्योंकि ये वारचिप बनना उसका सपना था। तब वो अपने भाई ताबेको से कहती है कि उसने जंगल में और भी कुछ देखा है और उसे हंट करने के लिए मुझे दूर तक जाना पड़ेगा। पर ताबेको उसे कहता है कि तुम अकेले ये नहीं कर सकती क्योंकि शेर को भी पकड़ने में तुम असफल रही हो। ताबेको की ये बातें सुनकर नारो को बहुत बुरा लगता है और यही सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन नारो अपने डॉग सारी के साथ जंगल में जाती है। उसे देखना था कि रात में उसे वो क्या दिखा था। वो जंगल से जाते वक्त उस एलियन के निशान कलेक्ट करती है, पैर के निशान को चेक करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस एलियन ने एक भेड़िए का शिकार किया है और वो उसे मार कर उसका सर काट कर लेकर जाता है। और उसके बाद वो एलियन उस भेड़िए की सर की चर्बी पिघला कर उसके खोपड़ी को अपने पास रखता है। वो एलियन उसे एक ट्रॉफी के रूप में अपने पास रखता है। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और यही सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नारो जंगल में अपने हंटिंग की प्रैक्टिस कर रही है और एक खरगोश का शिकार करके वो वही जंगल में अकेले सो जाती है। और मूवी में दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। नारो अपने डॉग सारी के साथ आगे चलती है, तभी उसे जंगल में ढेर सारी भैंसें मरी हुई नजर आती है। उन सब भैंस की चमड़ी निकाली गई थी। नारो को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तभी नारो को उनके पास एक चीज मिलती है जो बिल्कुल सिगार के जैसे दिखती थी, पर नारो को नहीं पता कि ये क्या चीज है। और वो आगे बढ़ने के लिए निकलती है और आगे जाकर वो एक दलदल में फंस जाती है। वो दलदल के नीचे ज्यादा जोर से फंसने लगती है। तभी वो अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो एक पेड़ की तरफ फेंक कर उसमें अटका देती है और ऊपर आ जाती है। ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसी वक्त हमें वो प्रीडेटर यानी कि एलियन दिखाई देता है। वो भी उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से नारो आई थी। वो भी मारे गए बफेलो की बॉडी देखता है और नारो ने देखी हुई शिकार देखता है। उसे लगता है कि ये शिकार बहुत बड़े शिकारी ने किया होगा। आगे दिखाते हैं कि नारो एक भालू की शिकार करने के लिए तैयारी कर रही होती है, पर उसके हाथ की स्प्रिंग टूट जाती है और भालू उसे देखता है और उस पर हमला करने के लिए आता है। पर तभी सारे उसका ध्यान हटा के उसे अपने पीछे ले जाता है और फिर से नारो उसकी शिकार करने की तैयारी करती है। पर वो भालू बहुत बड़ा होता है, वो नारो के पीछे लग जाता है। नारो अपने आप को बचाने के लिए लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है। तभी वो प्रीडेटर उस भालू पर अटैक कर देता है जो इनविजिबल होता है। पर भालू को मारने के बाद भालू का खून उस प्रीडेटर के ऊपर पड़ता है और उसकी शाडो नारो को दिखती है। ये देखकर नारो बहुत डर जाती है और उस पर प्रीडेटर को नारो नजर नहीं आती। नारो डरकर पानी में जाकर वहां से भाग जाती है। वो प्रीडेटर उसे देखता है पर उसे नारो नजर नहीं आती है और नारो जंगल में पहुंच जाती है। आगे चलते ही उसे कुछ लड़के नजर आते हैं जो उसके भाई ताबेको के साथ उसे खोजने के लिए आए थे और वो उसे खोजते खोजते अलग हो गए थे। नारो उन लड़कों को उस प्रीडेटर के बारे में बताती है पर उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी नारो बोलती है कि मुझे ताबेको की मदद करने के लिए जाना होगा, पर उनमें से एक लड़का उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो ताबेको से जलता था और उनमें मारपीट होती है। वो नारो को बांध के रखता है और तभी उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक छोटे एनिमल की होती है। वो लड़का उस एनिमल को मारता है और खड़ा होता है। तभी वहां उस प्रीडेटर के लेजर के निशान उसके शरीर पर पड़ते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल नारो जैसी ही थी कि लालच दिखाकर शिकार को अपने पास बुलाओ। बाकी और दो लड़के भी भागने लगते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है। तभी नारो वहां से अपना सामान लेकर भागने लगती है और एक लड़का आगे जाकर झाड़ी में छुपा होता है।
तो प्रीडेटर थर्मल स्कैनर की मदद से उसे खोजता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, पर प्रीडेटर उस लड़के को मार देता है। नारो भागते भागते एक ट्रैप में फंस जाती है और उसके पैर को चोट लगती है और प्रीडेटर उसके पास आता है, पर चौंका देने वाली बात यह है कि वो उसे मारता नहीं। तभी वहाँ कुछ फ्रेंच आदमी आते हैं और वो नारो को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। तभी नारो उनके लीडर के मुंह में वो सिगार देखती है, जो सिगार उसे भैंसों के पास मिली थी, और वो समझ जाती है कि उन भैंसों को इन लोगों ने ही मारा है। तभी एक आदमी जो राफेल वाला था, वो बहुत सारी भाषा में बात करता है। वो नारो से उस प्रीडेटर के बारे में पूछता है, जिसके निशान उन लोगों को भी मिले थे। और तभी ताबे को वो लोग बाहर लाते हैं, ताबेको को, जिसको उन लोगों ने पहले ही पकड़ा था। वो ताबेको को टॉर्चर करते हैं और उन दोनों को एक पेड़ को बांध देते हैं और वो फ्रेंच लोग झाड़ी में छुप जाते हैं, यानी कि प्रीडेटर के लिए ट्रैप लगाते हैं। पर होता तो उल्टा ही है, प्रीडेटर उन फ्रेंच लोगों पर ही अटैक कर देता है और उनको मार देता है और वो प्रीडेटर ग्राउंड पर आ जाता है। तभी ताबेको बोलता है कि वो हमें भी मार डालेगा। नारो बोलती है कि वो हमें नहीं मारेगा, वो सिर्फ उससे ज्यादा ताकतवर लोगों पर ही अटैक करता है और जो उसे उस पर हमला करता है वो उसको ही मारता है। तब ताबेको नारो को बताता है कि उस दिन शेर को मैंने अकेले नहीं मारा था, तुमने उस शेर को घायल किया था, इसलिए मैं उसे मार सका। और तुम्हारे अंदर स्किल भी है जो मेरी नज़र से नहीं दिखता, वो तुम्हें दिखाई देता है। ताबेको नारो की तारीफ करता रहता है और बोलता है कि इस प्रीडेटर को हमें मारना है। नारो बोलती है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। ताबेको बोलता है कि वो ब्लीड करेगा तो हम उसे मार सकते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल है। तभी ग्राउंड पर छिपे और लोगों को प्रीडेटर मार देता है। तभी मूवी में उसके पास जो गैजेट्स होते हैं उसका सीन दिखाते हैं, जिसमें ब्लेड, शील्ड होता है, चॉपर होता है जिससे किसी भी आदमी को वो काट सकता था, डिस्क बॉम्ब भी होते हैं और सिग्नेचर हैंडपैड होता है जो उसके टेक्नोलॉजी को कंट्रोल और मॉडिफाई करते हैं। तभी दिखाते हैं कि नारो अपना दिमाग लगा के खुद को और ताबेको को मुक्त करती है और ताबेको अपने घोड़े को लेने जाता है और नारो सारी यानी कि उसके डॉग को लेने फ्रेंच लोगों के अड्डे पर जाती है। वह बचे हुए फ्रेंच लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर नारो उन सबको मार देती है क्योंकि वो हंटिंग की रोज प्रैक्टिस करती थी। तभी वो राफेल वाला आदमी घायल होकर हेल्प मांगता है, पर नारो उसके बदले में उससे उसकी गन मांगती है और वो गन दे देता है और नारो उसके पैर पर दवा लगाती है और उसे एक पीले कलर का फूल देती है जिससे उसके बॉडी कूल हो जाती है। और तभी प्रीडेटर वहां आ जाता है। नारो जल्दी से छुप जाती है और वो आदमी मरने का नाटक करता है, पर उसकी बॉडी कूल होने की वजह से वो प्रीडेटर उस आदमी को देख नहीं पाता। पर वक्त चलते उसके पैर लगने की वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ कोई है और वो उस आदमी को मार देता है। तब नारो समझ जाती है कि उस फूल की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी कूल होने की वजह से प्रीडेटर उसे देख नहीं सकता। इसी बात का नारो फायदा उठाती है। तभी सारी नारो का डॉग उस प्रीडेटर से लड़ने की कोशिश करता है, पर प्रीडेटर सारी के ऊपर लेजर डाल देता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। पर तभी नारो का भाई ताबेको वहां घोड़े पर सवार होकर आता है और उसका सर उड़ा देता है और वो लेजर एक पेड़ पर पड़ते हैं। पर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि थर्मल स्कैनिंग के अलावा उसकी आंखें भी होती है, जो नॉर्मल लोगों की तरह होती है। तब प्रीडेटर ताबेको पर इनविजिबल होकर हमला कर देता है और नारो भी गन से उस पर शूट करती है, पर उसका कोई असर प्रीडेटर पर नहीं होता है। ताबेको नारो को घर जाने के लिए बोलता है और प्रीडेटर उसे मार देता है। तब नारो दुखी होकर वहां से भाग जाती है। ताबेको की मौत की खबर सुनकर उसकी माँ भी बहुत दुखी होकर टूट जाती है। यह नारो भागकर एक नदी के किनारे आती है। वह उसे फ्रेंच लोगों का लीडर दिखाई देता है। नारो उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करती है। नारो उस लीडर को लेकर जंगल में जाती है और प्रीडेटर के एक गैजेट से उसका पैर काट देती है। जो गैजेट्स उसे प्रीडेटर ने मारे हुए राफेल वाले आदमी के पैर से मिला था, और उसके भाई के मौत का बदला लेने के लिए वो तैयार हो जाती है और वो दवाई वाला फूल वो खा लेती है और बॉडी कूल होने की वजह से वो प्रीडेटर के लिए इनविजिबल हो जाती है। तभी वहाँ प्रीडेटर आके उस लीडर को मार देता है और नारो इनविजिबल होके उस पर अटैक करके उसे बहुत परेशान करती है और उसका हेड जिसमें लेजर होते हैं वो गिरा देती है और भाग कर उसे एक जगह पर सेट कर देती है और सारी की हेल्प से उस पर हमला करती है
उसका हाथ तोड़ देती है, उसका दांत निकाल के उसके ही शरीर में घुसा देती है और रस्सी की हेल्प से उसे दलदल में फंसा देती है। पर वो वहां से आसानी से बाहर आ जाता है और प्रीडेटर एरो शूट नारो पर करने लगता है। पर नारो ने पहले से ही सब सेटिंग कर रखी थी, उसने उस प्रीडेटर का सर पहले से ही उसकी तरफ ही करके रखा था। उसकी वजह से वो सब लेजर प्रीडेटर के ही शरीर पर पड़ते हैं और वो उसे जाकर लगते हैं और वो मर जाता है और यही सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें नारो उस प्रीडेटर का सर अपने हाथ में लेकर घर जाती है। ये देखकर सब लोग और उसकी माँ बहुत खुश होती है और नारो को तबेले का वारचिप बना दिया जाता है जो उसका सपना था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था जो कोई और नहीं कर सकता था। पर इसमें उसके भाई और तबेले वाले लड़कों की भी जान जाती है। नारो उन सब तबेले वालों के दूसरी सेफ जगह जाने के लिए बोलती है। नारो तबेले के लीडर को वो गन देती है जो गन उसे राफेल वाले आदमी से मिली थी। मूवी में ये गन दिखाने का मतलब होता है कि वो प्रीडेटर वापस आकर हमला करेंगे। और लास्ट सीन में एक पेंटिंग दिखाते हैं जिसमें प्रीडेटर ने फिर से आक्रमण किया था और इसी सीन पर मूवी बंद हो जाती है।